हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहित। वो आप देख रहे हैं बेन 10 इन हिंदी। कहानी की शुरुआत में हमें पिद्दी सी एलियन दिखाया जाता है जो अपने सूट को ठीक कर रहा होता है और वो बोलता है, जंबूसू तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तुमने क्या उखाड़ लिया। और फिर वो एक लड़की बोलती है, मुझे कॉइन को मारने का सुनहरा मौका मिला था पर तुमने बीच में टांग अड़ा दी। और फिर जंबूसू बोलता है, नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे नजरिए से नहीं सोच रही हो। और फिर जंबूसू बोलता है, तुम मेरे नजरिए से नहीं सोच रहे हो, मैंने उस लड़ाई से काफी कुछ सीखा है। और फिर जंबूसू बोलता है कि बेन उसके साथियों को कैसे खत्म करना है। और फिर अगली सीन में हमें कॉइन दिखाई जाती है जो बेन की माँ के साथ मार्केट गई होती है। और फिर इतनी देर में जंबूसू की साथी यहाँ पर आ जाती है और वो बोलती है, इतने लोग काफी होंगे ना कॉइन तुम्हें मारने के लिए। और फिर कॉइन एक एक करके उन लोगों को मारने लगती है। और फिर वो लड़की बोलती है, तुम सिर्फ एक अकेली लड़की से हार गए, तुम्हारे ऊपर धिक्कार है सालो। और फिर वो लड़की कॉइन के ऊपर अटैक कर देती है पर कॉइन बड़े आसानी से उसको टॉर्च कर लेती है। फिर कॉइन बोलती है, इस बार भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और फिर कॉइन के पीछे जंबूसू आ जाता है और वो कॉइन को बिजली का झटका लगा देता है। और फिर जंबूसू बोलता है, ये चीज बड़ी है, मस्त मस्त। और फिर कॉइन को वहाँ पर सिर घूमने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है तो बेन कॉइन को डांट रहा होता है, वो कहता है, तुम्हारे होते हुए मॉम को जंबूसू कैसे ले गया। और फिर केविन बोलता है, अगर वो जोकर है तो जरूरी नहीं वो इसी जगह पे हो। और फिर पीछे से हमला हो जाता है, तभी कॉइन अपनी शील्ड बना के उन लोगों को बचा लेती है। और फिर बेन और कॉइन और केविन अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। तभी बेन को अपनी मॉम की चीख सुनाई देती है तो वो घबरा जाता है, वो अंदर चला जाता है। बेन को अंदर जाने के बाद पता चलता है, यहाँ तो हर आईने में मेरी तस्वीर दिखाई दे रही है। और फिर केविन जंबूसू की साथी से पूछता है कि बेन की मॉम कहाँ है, और वो बोलती है कि पहले ये बताओ कॉइन कहाँ है। और फिर केविन बोलता है, तुम्हारी किसी साथी की चंपी कर रही होगी। और फिर दूसरी तरफ कॉइन बेन की मॉम को ढूंढ रही होती है, तभी उसको जंबूसू दिख जाता है। और फिर जंबूसू बोलता है, आज के इस खेल को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। फिर हमें बेन दिखाया जाता है जो एक एलियन से लड़ रहा होता है, तभी वो बोलता है, पीछे से वार करने वाले को बुजदिल कहा जाता है, समझे ना। और फिर वो बिग चिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर बेन उससे पूछता है, मेरी मॉम कहाँ है बल्केनस, ऐसी जगह है कि जहाँ तुमने सोची भी नहीं होगी। और फिर दूसरी तरफ कॉइन उस जोकर से पूछती है कि बेन की मॉम कहाँ है जोकर। और फिर जंबूसू बोलता है, खुली जाके ढूंढ लो। और फिर जंबूसू उसके ऊपर हमला करके उसको वहीं बांध देता है। और दूसरी तरफ केविन उस लड़की के चमचों की कुटाई कर रहा होता है और दूसरी तरफ बेन सबको बर्फ में जमा रहा होता है। और फिर बेन बल्केनस के सारे सिपाहियों को बर्फ में जमा देता है। और फिर बल्केनस की और भी ज्यादा साथी वहाँ पर आ जाते हैं और फिर बेन अल्टीमेट वेग शील्ड बन जाता है। और फिर बेन बोलता है, इतनी बड़ी फौज के साथ कोई भी ताकतवर कहलाता है। और फिर बेन एक सेकंड के अंदर पूरी की पूरी फौज को जमा देता है। और फिर इसके बाद बल्केनस बोलती है, ओह मैंने कुछ नहीं किया, मैं बताता हूँ तुम्हारी मॉम कहाँ है। और फिर हमें अगले सीन में बेन की मॉम दिखाई जाती है जो रस्सियों पे चल रही होती हैं। और फिर वो जंबूसू उन रस्सियों में आग लगा देता है। और फिर इसके बाद कॉइन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। और फिर कॉइन को देख के जंबूसू डर जाता है, वो कहता है, ये तुमने कैसे किया। और फिर कॉइन बोलती है, अपने उल्टे गिनना शुरू कर दो जोकर कहीं के। और फिर कॉइन का ये वाला रूप देख करके जोकर भी डरा जाता है। और फिर कॉइन बोलती है, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो टेनिसन परिवार से दूर रहना। जोकर बोलता है, हाँ हाँ हाँ। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।